हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल टेस्टी किचन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस यम्मी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे बाजार के जैसी दही पापड़ी चाट। ये हर किसी को बहुत पसंद आती है और साथ में मैं आपको वो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनसे आप भी इतनी क्रिस्पी पापड़ी आप घर पे ही आसान तरीके से बना सकेंगे। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पापड़ी के लिए डो लगाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 2 कप मैदा लिया है और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन। इसे क्रश करके डालेंगे, इससे टेस्ट भी आता है और पेट के लिए भी अच्छा होता है। मोयन के लिए इसमें हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। इसे डालने से पापड़ी हमारी क्रिस्पी बनेगी। मिक्स कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहली टिप ये है कि हमें इसमें ऑयल अच्छे से ऐड करना है, तभी पापड़ी हमारी अच्छी क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब इस तरह से हम इसे एक साथ इकट्ठा करें और ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, यानी कि मोयन हमारा एकदम परफेक्ट है। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। और दूसरी टिप, पापड़ी के लिए डो हमारा ना तो बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। तो ये देखिए, हमारा डो लगकर तैयार हो गया है, बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। तो अब इसे हम ढक के रख देते हैं 1/2 घंटे के लिए, जिससे कि डो हमारा अच्छे से सेट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसकी पापड़ी बनाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका मसाला। एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। उसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर, जब तक कि जीरा हल्का सा डार्क कलर में ना हो जाए और अच्छी खुशबू आने तक हमें इसे रोस्ट करना है। क्योंकि जब तक मसाले अच्छे से भुनेंगे नहीं तो उसमें मार्केट के जैसा वो असली टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए, जब जीरे का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच काली मिर्च। इसे भी हम साथ में ही भून लेते हैं। जीरे को भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले ही उसे हल्का रोस्ट कर लिया था। तो इन सभी मसालों को लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेते हैं, इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, ये सभी मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अच्छी खुशबू आ रही है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इन्हें हम पीसेंगे। मसालों को पीसने के लिए मैंने मिक्सी जार लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, और जो मसाले हमने रोस्ट करके रखे थे उन्हें भी डाल देते हैं। ये ठंडे हो गए हैं और लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, जो हम रेगुलर सब्जियों में यूज़ करते हैं। और इन सभी मसालों को हल्का सा दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने मसाले को पीस कर तैयार कर लिया। इस तरह का हल्का दरदरा होना चाहिए, बिल्कुल इसे फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि तभी इसका बढ़िया टेस्ट आएगा। और पापड़ी के लिए डो को रखे हुए लगभग 1/2 घंटे हो गए हैं। डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। एक बार फिर से इसे हम गूंद लेते हैं। देखिए, ना तो ये बहुत ज्यादा सख्त है ना ही ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इस तरह का ही होना चाहिए। अब इसमें से हम थोड़ा पार्ट तोड़ लेते हैं और इसे ढक के रख देंगे, जिससे कि डो हमारा ड्राई ना हो जाए, इसलिए हमें इसे ढक के रख देना है। और इसे हम किसी भी सरफेस पर रखकर इस तरह से गोल करेंगे और इसे पेड़े जैसी शेप देंगे, जैसे हम चपाती बनाते हैं। तो भी पतला हमें इसे बेलना है, जितना पतला हो सके हमें इसे उतना बेलना है, क्योंकि तभी पापड़ी हमारी एकदम परफेक्ट बनेगी। देखिए, अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट होता तो ये सरफेस पे चिपकने लगता, और अगर ये ज़्यादा सख्त होता तो इसके किनारे फटने लगते। ये ऐसा होना चाहिए कि हमें इसमें बिना सूखा मैदा यूज़ किए ही हम इसे आराम से बेल सकें। तो ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल पतला सा बेल कर तैयार करना है। और उसके बाद इस तरह का कोई भी कटर या कोई भी छोटी कटोरी हो, उससे हम इस तरह से इसे कट करेंगे। ये थोड़ा इजी प्रोसेस है, इससे हमारी एक बारी में काफ़ी सारी पापड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए, इसमें जो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो बचा है उसे हम हटा देते हैं। जब हम इन्हें कट करेंगे तो ये थोड़ी सी कुर्सी जाती हैं, तो इसलिए हम इसको हल्का सा और बेल लेते हैं। और अब हम फॉक की हेल्प से इस तरह से इसके ऊपर हल्के हल्के से निशान लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगी नहीं, क्योंकि अगर हम इन्हें बिना इस तरह से निशान लगाए अगर हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये पूरी जैसी फूल जाएंगी। तो इसलिए इस पर इस तरह के निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, इस तरह की बिल्कुल पतली पतली सी पापड़ियाँ हमें बनानी हैं, जैसे हमने अभी इसे चपाती जैसा बेल कर इसे कट किया है। या फिर आप इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर उन्हें पतला सा बेल कर उस पर निशान लगा सकते हैं। इस तरह से हमें सारी पापड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है।
और देखिए इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। मैं हम थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो पापड़ियों को फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक बारी में जितनी पापड़ियाँ आ जाएंगी हम उतनी इसमें डाल देते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए और गैस का फ्लेम लो रखेंगे, जिससे कि ये धीरे धीरे आराम से पकेंगी और अच्छी क्रिस्पी भी बनेंगी। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होगा कि जल्दी फ्राई हो जाएंगी, इनका कलर जल्दी डार्क हो जाएगा, लेकिन ये अंदर से अच्छी क्रिस्पी नहीं होंगी। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। ये देखिए जब ये एक साइड से सिक जाएंगी तब इन्हें हम पलट देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन परफेक्ट पापड़ियां बनकर तैयार होंगी। और इसी तरह से बीच बीच में पलटते हुए हमें इन्हें फ्राई करना है। ध्यान रहे गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। और ये देखिए पापड़ी का कलर पहले से काफी चेंज हो गया है। जब ये इस तरह की गोल्डन ब्राउन सी दिखने लगेंगी, यानी कि ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं, अच्छी क्रिस्पी हो गई हैं, तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इस तरह से कढ़ाई के किनारे पर रोक लेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए, और फिर इसे हम टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे। सेम इसी तरह से हम बची हुई पापड़ियां भी फ्राई कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे सेकंड बैच को फ्राई करने से पहले 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम ऑफ कर दें, फिर उसके बाद इसे फ्राई करें, जिससे कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम हो जाए और इसे भी हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। पापड़ियां बनकर तैयार हैं, तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारी क्रिस्पी सी पापड़ियां बनकर तैयार हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए आपको देख के ही पता चल रहा होगा ये पापड़ियां कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम पापड़ी के लिए दही तैयार कर लेते हैं। बाउल के ऊपर इस तरह से स्ट्रेनर रख देंगे और अब इसमें हम दही को डालकर इसे हम छानेंगे। ये मैंने 400 ग्राम दही ली है। दही को इस तरह से छानने से ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, ये अलग अलग सी नहीं रहेगी, बिल्कुल स्मूथ सी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमने दही को अच्छे से छान लिया है। देखिए बिल्कुल स्मूथ सी बनकर तैयार हुई है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे शुगर पाउडर। चीनी आप इसमें दही के अकॉर्डिंग डालें। अगर दही ज्यादा खट्टी है तो आपको इसमें चीनी थोड़ी सी ज्यादा ऐड करनी पड़ेगी। दही को इस तरह से हल्का सा मिक्स करके फ्रिज में रख देते हैं। तो हमें ज्यादा देर तक मिक्स नहीं करेंगे, जब सर्व करना होगा तो उस टाइम पे हम इसे मिक्स करेंगे। ये मैंने कुछ चीजें ली है जैसे मार्केट में मिलती है। ये दही पापड़ी का मसाला जो हमने अभी तैयार किया था, ये तीखी हरी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, अनारदाना और ये 2 बॉईल किए हुए आलू। तो अब हम दही पापड़ी के लिए प्लेट तैयार कर लेते हैं। मैं दही में ही कुछ पापड़ियों को इस तरह से मिक्स करके प्लेट में निकाल रही हूँ। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे बॉईल किए हुए आलू। इसके बाद हम 3-4 पापड़ियों को हल्का सा क्रश करके इस तरह से ऊपर से डाल देते हैं। इसको तीखा फ्लेवर देने के लिए हम इसके ऊपर हरी चटनी डालेंगे और खट्टा मीठा फ्लेवर के लिए हम इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी कैसे बनाएं, इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले ही शेयर की हुई है। इस दही पापड़ी चाट में अनारदाना बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मसाला जो हमने भूनकर तैयार किया है और लास्ट में इसके ऊपर हम थोड़ी सी बेसन भुजिया डाल देते हैं। आप चाहें तो जो बारीक वाली सेव आती है उसे भी ले सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही यम्मी डिलीशियस सी दही पापड़ी चाट बनकर तैयार है। आपको देख के ही पता चल रहा होगा ये कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। जब आप इसे ट्राई करेंगे ना, सच में आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। लेकिन बनाते समय जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपसे शेयर की हैं, अगर आप उन्हें ध्यान में रख के बनाएंगे तो आपकी भी दही पापड़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, साथ में कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। मेरी वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।